शुरू करें या वेट करना है? एहतशाम रोल नंबर 63, शुरू करें या किसी और का भी वेट करें? है कोई आपका फ्रेंड जो आने वाला हो, चाहे आप 5 6 लोग हैं आप? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आ जाता है, वेरी गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ओके, टुडे द प्रोग्राम दैट यू आर गोइंग टू डू इज लाइक यू हैव टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू 16-बिट नंबर्स। दो 16-बिट के नंबर्स हैं, उनको आपको मल्टीप्लीकेशन करना है ना। बहुत सिंपल है। कैसे अप्रोच करें? एहतशाम, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आपका इनाम आ रहा है। दो 16-बिट के नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा लाउड बोलेंगे थे शाम। MUL इंस्ट्रक्शन का हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करें? दो रजिस्टर में नंबर को ले सकते हैं। ओके, वापस है, घूम फिर के वही आ जाते हैं शाम साहब। ले जरूर सकते हैं, अगर नंबर चेंज करें तो हम क्या प्रोग्राम दोबारा लिखेंगे? मेमोरी में नंबर डाल दिया, फिर क्या करें? ओके, दो रजिस्टर में ले लिया, बिल्कुल ठीक। फिर ठीक, बिल्कुल MUL यूज कर लिया। देन ओके, रिजल्ट स्टोर करने के लिए, अच्छा ये जो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसका साइज कितना पॉसिबल हो सकता है? बत्तीस बिट का होगा, तो मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा लेगा ये। 216 है ना स्टोर करने के लिए, और मेमोरी लोकेशन कितनी ले लेगा उस टाइम पे? 4 लेगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि एक एक मेमोरी लोकेशन पे कितना साइज का डाटा आ सकता है मैक्सिमम? 8 बिट का, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, ऐसा श्याम ने सही अप्रोच बताइए। इसके अलावा और कौन सी अप्रोच यूज कर सकते हैं आयुष? यस सर। जो एहतशाम ने बताई है, इसके अलावा और कौन सी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं? सर हम लोग अभी ज्वाइन करें, मैम ने अभी छोड़ा था तो हम लोग अभी अच्छा, आपका दूसरा ग्रुप है। आए। यस सर, मैम ने छोड़ दिया अभी आज जल्दी, तो सर अभी ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। चलिए, अच्छी बात है, ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली जो हम आपको हम परफॉर्म करना है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है, आयुष, या फिर कुछ रहते भी हैं? यस सर, सब ज्वाइन कर रहे हैं। सब ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, चलिए। आज की जो प्रॉब्लम है वो है आपकी, एक आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो 16-बिट नंबर्स का, है ना। उसके लिए एहतशाम ने एक अप्रोच बताई है, बिल्कुल सही अप्रोच बताई है। एहतशाम, रिपीट कर देंगे एक बार फिर से? बिल्कुल, ओके, ओके, ओके। आयुष, यस आयुष, सर, ओके। यस एहतशाम सर। ने जो अप्रोच बताया बिल्कुल सही बताई, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अब इसके अलावा और कौन कौन सी हम अप्रोच यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए? यस आयुष, यस सर, सर सोच रहे हैं। सोच रहे हैं? चलिए, आप सोचिए ना, बहुत सारी अप्रोचेज हैं। चलिए, इन डाउनलोड से स्टार्ट करते हैं। राजीव, राजीव रोल नंबर 68, सर और कोई और अप्रोच बताइए जो यूज कर सकते हैं हम। नहीं क्रैक कर पा रहे, राइट? सर, चलिए, कोई बात नहीं। कायम, यस सर। और कौन सी अप्रोच हो सकती है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए? बस यही अभी आ रहा है फिलहाल, यही इसको आ रहा डायरेक्ट है, मल्टी MUL डायरेक्ट करते ठीक है। नहीं, MUL, चलो चलो ठीक है। अमिल, हैं। अमिल, अमिल सलीम,
अमिल एडिशन इन लूप, ओके इट इज पॉसिबल, बिल्कुल हम कर सकते हैं, बट अगेन एमयूएल हमें इंस्ट्रक्शन दे देगी, ये पावरफुल इंस्ट्रक्शन है, तो बिल्कुल हम एडिशन यूज कर सकते हैं, बट अगेन फिर 8085 और 8086 में फर्क नहीं रह जाएगा, बट इट इज ना कि हम यूज कर सकते हैं कि एडिशन को बार बार लूप में लगाकर। चलिए एक और अप्रोच आ गई है मुनिसा, इन दोनों अप्रोचेस के अलावा कोई और अप्रोच? सर यही तो पता है बस। यही तो पता है, ओके। अमनदीप, अमनदीप, अमनदीप रोल नंबर 72। ये भाई साहब जवाब नहीं देते हैं, लास्ट लेक्चर में भी जवाब नहीं दे रहे थे, अभी भी नहीं दे रहे हैं, है ना, बार बार नाइन सिंह की एब्सेंट लग रही है। इनका फ्रेंड कौन है अमनदीप का आप में से? सर जी अमनदीप आप आंसर क्यों नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं आप ना, रेगुलर है आपका ये, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एंड माइक ऑन करके फिर ऑफ कर देते हैं, यस सर कर। यस अमनदीप, सर यस सर के आगे बताइए, आंसर क्यों नहीं देते हैं आप कोई भी क्वेश्चन का, पता है नहीं पता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगेन कुछ तो बोले बोला कीजिए कि सर नहीं आता है मेरे को या फिर कुछ भी। सर इट इज डिफिकल्ट अमनदीप, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस थिंग ना, आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी इस चीज़ के लिए, थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा इस चीज़ को। ओके मोहम्मद यूसुफ, जी कोई और अप्रोच? सर, नहीं पता सर, कोई नहीं पता, थोड़ा लाउड बोला और कीजिए, अप्रोच घर में भी ऐसी बात करते हैं। नहीं सर। ओके उबैदुल्ला, नहीं आदित्य, आदित्य प्रकाश, आदित्य यस कोई और अप्रोच हम कर सकते हैं यूज? सर। नहीं पता है, उबैदुल्ला, उबैदुल्ला सिद्दीकी, यस कुछ माइंड में आ रहा है? नो नहीं आ रहा है। अदनान, मोहम्मद अदनान, सर, कुछ आता है इन दोनों अप्रोचेस के अलावा कोई और तीसरी अप्रोच हम कर सकते हो? मैंने लेट ज्वाइन करे थे, क्वेश्चन से क्या करेगा अच्छा कुछ बता क्वेश्चन क्या दूंगा। है, चलिए अभी जो नए आए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बता देते हैं, क्वेश्चन ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 16-बिट नंबर हमें करने हैं, ठीक है। एक अप्रोच एहतशाम ने बताई कि भाई हम एक दो मेमोरी लोकेशन में हम नंबर डाल दिए, उन दोनों मेमोरी लोकेशन से नंबर हम किसी रजिस्टर्स में ले लिए, रजिस्टर में लेने के बाद एक एमयूएल इंस्ट्रक्शन होती है हमारी 8086 के अंदर, उसको लेकर हमने दोनों रजिस्टर्स को मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एंड देन फाइनल रिजल्ट को जो आपका 32 बिट का हो सकता है उसको हमने किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव कर दिया, किसी रजिस्टर में लिया और मेमोरी लोकेशन में हमने सेव कर दिया। दूसरी अप्रोच बताई थी आई थिंक अमिल ने, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम जो एडिशन करते हैं वो लूपिंग मेथड से हम कर सकते हैं, कि हम लूप चलाएं और एडिशन करते हैं, जितनी बार भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है हम लूप चला रहे हैं और एडिशन करते रहें। ये दो अप्रोच अब तक बताई हैं आप लोगों ने, इसके अलावा कोई और अप्रोच हम यूज कर सकते हैं अदनान? सर हम कोई भी मतलब पहले कोई 16 बिट नंबर को ले ले एक लोकेशन से, फिर हम कोई दूसरे 16 बिट नंबर को ले ले दूसरे लोकेशन से, फिर दोनों को कैसे सर में मल्टीप्लाई करके, तो जैसे कि तो मतलब 32 बिट में से स्टोर करना है ना सर। सॉरी नहीं, स्टोर तो छोड़िए अभी तो, हम मल्टीप्लिकेशन की सर, बात कर मतलब रहे हैं ना। 16 बिट नंबर को, हाँ मतलब 8086 में 16 बिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना सर। बिल्कुल, सर मान लेते हैं सर कोई एक लोकेशन पे सर कोई 16 बिट नंबर है, सपोज थ्री थाउजेंड पे या कोई भी लोकेशन पे सर एक 16 बिट नंबर है, और सर एक ओके दूसरे लोकेशन पर सर एक दूसरा सर 16 बिट नंबर है, तो ओके सर हम दोनों लोकेशन से वो 16 बिट नंबर को सर फेच करेंगे, फिर उस उन दोनों को सर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले उन दोनों कैसे को फेच मूव करेंगे करेंगे, सर। कहाँ मूव करेंगे? सर मतलब मूव करेंगे सर वो लोकेशन से सर एक्यूमुलेटर में सर। दोनों को एक्यूमुलेटर पे कर देंगे, नो सर, सर जैसे होता है ना सर,
जैसे मूव ax कॉमा वो पोजीशन की सर वो 3000 डाल दिया फॉर एग्जांपल, फिर एक सर दूसरे को सर मतलब उसी तरह सर bx मतलब रजिस्टर में सर, पर मतलब रजिस्टर में सर मूव करेंगे। बिल्कुल, ये अप्रोच मैंने आपको बता दिया अभी ना, जो एहतशाम ने हमें बताई थी, ये अच्छा, अप्रोच बता दिया। इनके अलावा कोई और अप्रोच बताइए आप, इनके अलावा सर, इनके अलावा, इन दोनों के इसके अलावा, अलावा। सर इसके अलावा सर अभी तो नहीं आ रहा सर, अगर आता तो सर मैं बताता हूँ सर। चलिए, आयुष सोच लिया आपने? आयुष यस सर। सोच रहे थे आप, सोच लिया? अभी तक सोच रहे हैं, नहीं सर, सोच नहीं पा रहे हैं, ये भी सोच रहे मैंने हैं। सब बता दिया कि सक्सेसिव एडिशन करके ही कर सक्सेसिव दें। एडिशन नहीं, वो तो उन्होंने बता दिया मिलने ना, आप लेट हो गए उस चीज के लिए। अजमल लेट आए थे आप। अजमल जी, यस सर, कुछ आ रहा है माइंड में? नो सर, नहीं आ रहा है। श्रीधरन दिखे थे कभी यहीं पर? है यहाँ पर श्रीधरन? नहीं है। ओके, अच्छा हम अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रजिस्टर्स है ना, ए एक्स डी एक्स रजिस्टर्स की जगह हम इंडेक्स यूज कर लें तो क्या पॉसिबल है? सर जी, पॉइंटर मतलब सर इंडेक्स एंड पॉइंटर फॉर ऑफसेट एड्रेस के लिए यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, यस सर। पॉसिबल है ना? एक और पोस्ट तो ये हो गई। चलिए दूसरी एक और अप्रोच हो सकती है, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन होती है, कायम कायम। यस सर, यस सर, यस ये सर, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन क्या करती है? MUL मल्टीप्लाई करती है किस किस को? जैसे दो रजिस्टर को, दो दो रजिस्टर रे को, दो दो रजिस्टर के में जो वो जो डेटा जो रहता है उसको। उसको करती है। कोई और भी, किसी और को भी कर सकती है वो? सर क्लास में मल्टीप्लाई डिस्कस ही कर रहे करेगी, हैं? लास्ट में नहीं थे हम सर, लास्ट क्लास में। नहीं, लास्ट में नहीं थे। ओके, ओ यस सर, उनिसा यस सर। MUL इंस्ट्रक्शन है, इन्होंने बोला दो रजिस्टर्स के बीच में वो मल्टीप्लिकेशन कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ और कर सकती है वो MUL? क्या रजिस्टर के अलावा कुछ और हो सकता है? सर मेमोरी लोकेशन हो सकता बिल्कुल है। ठीक, मेमोरी लोकेशन हो सकती है हमारी। तो इंस्टेड ऑफ रजिस्टर हम मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हाँ सर, यूज तो कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो एक अप्रोच ये हो गई हमारी कि हमने क्या किया, एक एक रजिस्टर तो हमें ऑब्वियसली यूज करना पड़ेगा। हमने एक 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 डाटा को किसी कोई भी मेमोरी लोकेशन लिया, उसका ऑफसेट एड्रेस देके डायरेक्टली AX में डाल दिया। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो दूसरा मेमोरी लोकेशन है उसको हम इंस्टेड ऑफ BX में ले जाने की जगह हम डायरेक्टली ही मल्टीप्लीकेशन कर दें, है ना? एक मेमोरी लोकेशन दे दें और आपका AX में डाटा पड़ा हुआ है। एंड फाइनली जो भी रिजल्टेंट आएगा दो रजिस्टर में ले जाके उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आप सेव कर लीजिए। इट इज पॉसिबल और नॉट? तो दिस इज अनदर अप्रोच, है ना? आप कोई सक्सेसिव एडिशन को छोड़ के, बिकॉज सक्सेसिव एडिशन को यूज करने का मतलब है आप 8086 यूज नहीं कर रहे हैं ना, उसका जो पावरफुल इंस्ट्रक्शन है जैसे MUL इंस्ट्रक्शन है तो उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आप तीनों में से जो भी आपकी वो अच्छी लगती है आप कोई भी यूज करके आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। कोई डाउट इनमें किसी को? कायम नो सर, डाउट नो सर। नहीं है? सर हैदर यूसुफ? इस वाले में सर हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं एक में आप पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। तीन ऑप्शन बता दी ना, इधर यू यूज पॉइंटर्स, इंडेक्सेस एंड पॉइंटर्स, इधर यू यूज टू रजिस्टर्स, और यू यूज रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस इन मल्टीप्लीकेशन। सर। ओके सर, ना, ओके। थ्री थ्री अप्रोचेज हैं, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं ना। कोई एक भी वही है ना कि एक ही प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगेन कौन सा तरीका आपको करेक्ट कर जाए आपको सोचना है, यही यही चीज आपने डेवलप करनी है कि, है ना, हमें पता है सबसे देखें मल्टीप्लिकेशन MUL, अब हम देखें MUL की इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो किस किस के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है वो एक एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी रजिस्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकती है, और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी मेमोरी लोकेशन के साथ, मेमोरी लोकेशन मतलब मेमोरी लोकेशन पे जिस पे डाटा पड़ा हुआ है डायरेक्टली उसको हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगेन सामने पता चल गया कि दो अप्रोचेज हैं,
ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है, यही आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, धीरे धीरे आपकी हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अभी तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना, या है? यूसुफ क्लियर है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आल्सो? यूसुफ रोल नंबर 67 क्लियर है? कर लेंगे ओके देन यस सर। दोनों ग्रुप है इसमें या फिर कोई एक ही ग्रुप है? सब कुछ बच्चे हैं फर्स्ट ग्रुप के और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है फर्स्ट ग्रुप के, कुछ नहीं है यार, सबको बोल दो आ जाए। सब बोल रहे हैं ना, चलिए अटेंडेंस तो ले लेते हैं एटलीस्ट। आयुष तो है सर, बाजुद्दीन ध्रुव राज।